हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक सॉरी क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्री ऑपरेशन, या फिर इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम लोगों को मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है, जिसका एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये 4 नंबर क्वेश्चन है, हमने इसको ए मान लिया, लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 बाई 2 1 बाई 2, 2 बाई 5 2 बाई 5, फिर 2 बाई 5 है, -1 बाई 5 है, ठीक है। इसका हमें इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले आप डिसीजन लोगे कि रो ऑपरेशन यूज करना या कॉलम ऑपरेशन, ठीक है ना। जनरली हम लोग रो ऑपरेशन ही यूज कर लेते हैं क्योंकि इस पर आदत हो चुका है। तो रो ऑपरेशन अगर हमें यूज करना है तो रो ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑपरेशन है, उन्हीं 3 का यूज हम लोग कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग रो यूज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ रो ही यूज करेंगे, ठीक है, दोनों मिक्सअप यूज करके नहीं करेंगे। तो कोई एक ही हम लोग ऑपरेशन यूज करने वाले हैं, चलो हम लोग रो ऑपरेशन यूज करते हैं। तो रो ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था कि इनवर्स निकालना हो तो ए को आप क्या लिखोगे, आई इंटू ए लिखोगे, आई पहले ए बाद में। जबकि हम लोग कॉलम कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं तो क्या करते हैं, ए और आई को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। चलिए, तो अभी हम लोग इस पे आते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या है, आई इन टू ए है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस ए को, इस ए मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाना होता है, किसका यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, ठीक है। तो ए की जगह क्या रखेंगे हम लोग, ए की जगह ये ए वैल्यू दिया हुआ है, इसको रखेंगे 1 बाई 2 2 बाई 5 2 बाई 5 और -1 बाई 5, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अच्छा, इज इक्वल टू, और आई की जगह क्या लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स लिखना है, जिसका डायगनल एलिमेंट 1 होगा और बाकी एलिमेंट 0 होगा। तो यहाँ हम लोग 2x2 का ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा वो 2x2 का है और यहाँ पे ए साइलेंट रहता है, ठीक है ना, ए बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस पर हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यूनिट मैट्रिक्स कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 चाहिए है और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो इसके लिए हम लोग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, पहला मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो और उसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना हो तो सबसे पहले आप यहाँ वाले एलिमेंट पे दोगे, यहाँ वाले एलिमेंट को सबसे पहले आप 1 बनाओगे, फिर इसके बाद आप नीचे वाले एलिमेंट पे ध्यान दोगे, यहाँ वाले एलिमेंट पे, इसको हमें 0 बनाना है। जब ये बन जाए फिर इसके बाद इस वाले एलिमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है ना, इसको क्या बनाना है, 1, और फिर जब ये बन जाएगा फिर ऊपर वाले एलिमेंट पे ध्यान देंगे जिसको बनाना है 0। इस ऑर्डर में हम लोग काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न याद रखना कि ये, ठीक है। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ वाले एलिमेंट को हम क्या चाहते हैं, 1 बनाना, तो क्या करेंगे, तो इसमें ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आप क्या करना चाहते हो, आप रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो लिखेंगे कैसे, हम लिखना चाह रहे हैं रो 1 को चेंज करना चाह रहे हैं किस से, 2 इंटू R1, है ना, R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो R1 में चेंज कर रहे हैं क्या, 2 इंटू R1, ठीक है। तो जो काम हम लोग लेफ्ट साइड करेंगे वही हमें राइट साइड भी करना होगा, ठीक है। तो बताओ क्या बन जाएगा, तो R1 में सिर्फ हम चेंजिंग कर रहे हैं, इसका मतलब R2 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो R2 को कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ठीक है, और -1 बाई 5, R2 को हमने कॉपी कर दिया क्योंकि R2 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। R1 में क्या चेंजिंग कर रहा है, 2 इंटू R1, तो R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बाई 5 बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब इक्वल टू, यहाँ भी सेम काम, यहाँ भी वही काम करेंगे, बोलो क्या करना था, कि R1 में चेंज करना था 2R1, लेकिन R2 कॉपी हो जाएगा, ठीक है, R2 जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा, अब R1 में क्या करेंगे, 2 इंटू R1, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और A बिल्कुल साइलेंट रहेगा, सही है। चलिए, अब क्या करना है, अब इस वाले एलिमेंट को हम लोग 1 बना चुके हैं, अब हमें जाना है नीचे, यानी इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। देखो, इस पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है, तो जल्दी बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 करना है, तो यहाँ पे 0 करने के लिए क्या करेंगे, तो हम सोचे कि अच्छा यहाँ पे 0 करना है, इसका मतलब ये हुआ
कि इसमें इसको घटा देते हैं इसमें से, लेकिन इसमें 2/5 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2/5 माइनस 2/5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि आर टू माइनस आर वन करेंगे, लेकिन आर वन में 2/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस तरह से ऐसे लिखेंगे कि आर टू में हम लोग चेंजिंग करने जा रहे हैं, आर टू में देखो, आर टू में चेंजिंग करने जा रहे हैं, तो आर टू में इस तरह से ऐड हो देंगे। फिर क्या करना है, आर टू माइनस क्या माइनस करना है, आर वन को, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2/5 से, ठीक है, आर वन में, ठीक है। यानी आर वन में 2/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आर टू में से आर वन को घटाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो चेंजिंग किस में है, आर टू में चेंजिंग है, इसका मतलब आर वन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आर वन बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो 1/4/5 आर टू में चेंजिंग है, तो आर वन सिर्फ कॉपी हो जाएगा इस तरह से। चलो आर टू में क्या चेंजिंग है, आर टू में चेंजिंग ये है कि आर टू माइनस इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करके सोचोगे, 2/5, तो यहाँ पे आप 2/5 मल्टीप्लाई करोगे, 2/5 हो जाएगा। फिर 2/5 माइनस 2/5 क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे माइनस 1/5 है, यहाँ पे आपको क्या सोचना है, 2/5 मल्टीप्लाई करके सोचना है। तो ये 4/5 है, तो 4/5 को आप 2/5 से मल्टीप्लाई करके सोचो कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8 और 25 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 1/5, अब माइनस ये वाला करना है, यानी कि माइनस 8/5, तो माइनस 1/5 माइनस 8/25, एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 एलसीएम आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 8, सही ना। तो माइनस 13/25 आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस 13/25। चलो ये आ गया, अब इस पे आते हैं, क्या करना है हमें कि R2 में चेंज करना है, इसका मतलब R1 कॉपी हो जाएगा। तो R1 कॉपी कर दिए, क्या R2 में चेंज करना है, इसमें 2/5 से मल्टीप्लाई करके जीरो में से घटाना है। तो 2 में 2/5 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 4/5, और 0 माइनस 4/5, तो माइनस 4/5 हो जाएगा। और फिर 1 है, 1 माइनस जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो रहेगा, तो 1 माइनस 0 जीरो रहेगा, ठीक है, इस तरह से। और ये आ गया ए। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग अगले पे आते हैं। अच्छा 1 - 0 1 होगा, है ना, 1 - 0, तो मैंने गलत लिख दिया, 1 - 0 यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। चलो तो अब हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। देखो हमने क्या क्या किया, यहाँ पे 1 बना दिया, यहाँ पे 0 बना दिया। अब अगला नंबर किसका है, यहाँ से ये इधर आए, फिर इधर से इधर जाना होगा, यानी कि इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा। अब सोचो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, तो जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखो 13/25 है, आगे माइनस भी है, तो -20/13 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 1 हो जाएगा। इसी के रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किस में मल्टीप्लाई करना है आपको, आपको मल्टीप्लाई करना है आर टू में। तो यहाँ पर लिखेंगे आर टू में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, -20/13 से किस में मल्टीप्लाई करना है, आर टू में, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब आर टू में चेंजिंग होगा, आर वन कॉपी हो जाएगा, तो आर वन यहाँ पर हम लोग कॉपी कर देंगे, ठीक है। आर वन क्या है, 1/4/5, 1/4/5, ये हमने कॉपी कर दिया। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना, -20/13 से, तो जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है, वहाँ टारगेट ही 1 था। अब जो काम हमने लेफ्ट साइड किया वही राइट साइड भी करेंगे, तो आर वन तो कॉपी हो जाएगा, तो 2 और 0। आर टू में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, -20/13 से, तो -4/5 पहले से है, तो -4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -20/13 से, तो कितना हो जाएगा, 25 × 100, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 × 5 = 65, तो ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/65, 100/65, ठीक है। हम लोग जानबूझे काट के नहीं लिख रहे हैं, चाहे आपका आंसर इसी फॉर्म में मैच कर रहा है। अब अगले पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए -20/13 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20/13, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये हुआ हमारा काम कंप्लीट, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक। अच्छा अब अगले पे आते हैं, मैं इसको मिटा दूँ। अब देखो यहाँ पे तो आ गया कितना, 1 आ चुका है। अब हम लोग यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ, यानी कि अब इस वाले एलिमेंट को हम लोग 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसको इसमें से घटा देंगे, लेकिन यहाँ पे 4/5 रहेगा तभी तो घटाएंगे तो 0 होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि आर वन में हमें चेंजिंग करना पड़ेगा, आर वन में चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे कि आर वन माइनस, ठीक है ना, इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन कब, जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, आर टू में।
तो आर वन माइनस फोर बाय फाइव आर टू, यानी कि आर वन में से आर टू घटाएंगे, लेकिन कब, इसमें फोर बाय फाइव से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो चेंजिंग किस में होगा, आर वन में, इसका मतलब आर टू कॉपी हो जाएगा, तो आर टू जीरो और वन है ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब बोलो आर वन में क्या करना था, आर वन में करना कि आर वन माइनस फोर बाय फाइव आर टू, तो आर टू में आप पहले फोर बाय फाइव मल्टीप्लाई करके मन में रख लो, देखो यहाँ पे जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे फोर बाय फाइव तो जीरो ही रहेगा, तो वन माइनस जीरो वन रहेगा, फिर यहाँ देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसका फोर बाय फाइव, अब फोर बाय फाइव माइनस फोर बाय फाइव तो जीरो जाएगा, जीरो, जो काम हमने लेफ्ट साइड किया वही राइट साइड भी, तो बोलो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किस कितने से, माइनस फोर बाय फाइव से, तो इसमें माइनस फोर बाय फाइव से मल्टीप्लाई करो, अच्छा आर वन में चेंजिंग करना, आर टू तो कॉपी हो जाएगा, तो आर टू कॉपी कर लो पहले आप, देखो आर टू हमने कॉपी कर दिया क्योंकि आर टू में कोई चेंजिंग नहीं है, इसको हमने कॉपी कर दिया, आर वन में चेंजिंग है, आर वन में क्या चेंजिंग है, आर वन में चेंजिंग है कि आर वन माइनस फोर बाय फाइव आर टू, इसका मतलब इसमें आप फोर बाय फाइव से मल्टीप्लाई करो, तो हंड्रेड में आप मल्टीप्लाई करो, हंड्रेड बाय सिक्सटी फाइव में मल्टीप्लाई करो माइनस फोर बाय फाइव से, सॉरी फोर बाय फाइव से, है ना, फोर बाय फाइव से, तो क्या आ जाएगा, पाँच से काट देते हैं इसको, बीस पंचे सौ, है ना, बीस चौका से एट्टी बाई सिक्सटी फाइव आएगा, है ना, एट्टी बाई सिक्सटी फाइव, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है एट्टी बाई सिक्सटी फाइव आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, अब टू में से इसको घटाना है, तो टू में से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा, सिक्सटी फाइव और ये जाएगा वन थर्टी माइनस एट्टी, तो ये हो जाएगा फिफ्टी, फिफ्टी बाई सिक्सटी फाइव, तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टी बाई सिक्सटी फाइव। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो यहाँ पे आर टू में आपको फोर बाय फाइव से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे फोर बाय फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था, एट्टी बाई सिक्सटी फाइव आया, ठीक है, अब क्या बोला गया था, आर वन में से इसको घटाना भी तो है, तो टू माइनस इसको करेंगे तो टू माइनस ये किए तो हमारे पास फिफ्टी बाई सिक्सटी फाइव आया। ठीक है, सेम काम यहाँ भी क्या करना है, इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है कितने से, ट्वेंटी फाइव बाई थर्टीन है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है फोर बाई फाइव से, सही ना, ऊपर आ जाएगा माइनस हंड्रेड नीचे सिक्सटी फाइव। ठीक है, अब देखो आप क्या करना है, जीरो में से इसको घटाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो माइनस ऑफ माइनस है तो माइनस वन प्लस हो जाएगा, तो ये हंड्रेड बाई सिक्सटी फाइव हो जाएगा, हंड्रेड बाई सिक्सटी फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो और इनटू में यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ भी इनटू में ए था, अब देखो ये बन गया यूनिट मैट्रिक्स, तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, आपका ए इनवर्स है, लेकिन आप बोलोगे सर हमारा आंसर तो मैच नहीं किया, तो मैं आंसर मैच करा देता हूँ, देखो तो हमारे पास ए इनवर्स निकल के आया कितना, ए इनवर्स यही ए इनवर्स हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे फिफ्टी बाई सिक्सटी फाइव और यहाँ पे हंड्रेड बाई सिक्सटी फाइव और यहाँ पे हंड्रेड बाई सिक्सटी फाइव। ठीक है ना, यहाँ तक तो मैच कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये वाला पार्ट मैच नहीं कर रहा है, तो आप देखो सभी के डेनोमिनेटर में सिक्सटी फाइव है, तो यहाँ सिक्सटी फाइव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइन ट्वेंटी फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे वन ट्वेंटी फाइव, थर्टीन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी फाइव, और यही आपके बुक में आंसर है। ठीक है ना, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने आपको आंसर मैच कराने के लिए बता दिया, मैं तो आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि एक टू इंटू टू क्रॉस का मैट्रिक्स हो तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि पहले इस वाले एलिमेंट को आप वन बनाओ, फिर इसको जीरो बनाओ, फिर इसको वन बनाओ, फिर इसको जीरो बनाओ, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा 100%। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया हमारा क्या, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालें, अब हम लोग थ्री क्रॉस थ्री का निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको टू क्रॉस टू का ही दिखाया था, आज हम लोग थ्री क्रॉस थ्री का करेंगे और वो तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से करेंगे तो आसानी से बन सकता है। ठीक है ना, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका आप इनवर्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो, जो मैं अभी तरीका आपको बताने वाला हूँ थ्री क्रॉस थ्री का। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लो, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे एक थ्री क्रॉस थ्री का उठाते हैं, तो जो टू क्रॉस टू का है वो आपसे बन जाएगा, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको तरीका भी बता दिया है, तीन चार क्वेश्चन मैंने आपको बना के भी दिखा दिया है, पिछले वीडियो में मैंने तीन क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज भी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं जिसमें वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, मैंने आपको बताया था कि जब आप मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बना रहे होगे, ठीक है ना, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो आ जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर नाइन देख लो, क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नाइन, इसमें क्या लिखा है, चलो इसको ए मान लेते हैं, ए मान लिया हमने, यहाँ पे क्या है कि टू वन फोर टू, टू वन फोर टू, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ,
और हमें इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई इन टू ए, ए की वैल्यू ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे 2 1 4 2, ठीक है, इज इक्वल टू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 और 0 1, और इन टू में ए लिखेंगे। अब क्या करना है, ये जो ए है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, क्या यूज करके, रो ऑपरेशन का यूज करके। तो बोलो यहाँ पे हमें चाहिए 1, यहाँ पे क्या चाहिए 1, तो सोचो अगर यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 4 से माइनस करें तो 0 हो जाएगा, है ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना चाहिए तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि आर वन में डिवाइड कर, डिवाइड मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं आर वन में, ठीक है, आर वन में 1/2 मल्टीप्लाई कर दिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पे जो पहला टर्म है ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि चेंजिंग सिर्फ आर वन में है, आर टू कॉपी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ भी सेम काम, आर टू कॉपी हो जाएगा, आर वन में क्या करना है 2 से डिवाइड करना, तो 1/2 और ये 0, इन टू में ए तो बिल्कुल साइलेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे तो 1 आ गया, अब यहाँ पे लाना है 0, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके 4 -4 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर टू में चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे, आर टू माइनस, ठीक है ना, आर वन करेंगे लेकिन आर वन में 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। सेम काम हम लोग राइट साइड भी करेंगे, तो बोलो यहाँ पे क्या बन जाएगा, चेंजिंग आर टू में होगा तो आर वन कॉपी हो जाएगा 1 और 1/2, क्या चेंजिंग होगा, तो सुन लो क्या करना है, 4 से पहले आर वन में मल्टीप्लाई करके मन में रख लो, इसमें मल्टीप्लाई कर लो 4 है, अब 4 -4 0 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 -2 ये हो गया 0, बस कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। देखो इधर भी मैंने सॉल्व कर दिया इसको, आर वन तो बिल्कुल कॉपी हो जाएगा, आर टू में क्या करना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये 2 हो जाएगा, 0 -2 तो -2 आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है 0 ही रहेगा, 1 -0 1 हो जाएगा, और इन टू में ए। जैसे ही आपको है ना मैट्रिक्स में ये देखो, एक रो में सभी एलिमेंट 0 है ना, ऑल एलिमेंट्स आर 0, ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर टू आर 0, सिर्फ इसकी वजह से ये क्या होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, अगर मैट्रिक्स में कोई एक रो या कोई एक कॉलम में अगर सभी एलिमेंट 0 है तो आप समझ जाना उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये मतलब था। चलिए अब हम लोग 3x3 का देखेंगे, तो आप लोग कॉपी कर सकते हो इसको। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा उठा लिया जाए, चलो 14 उठाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है। देखो 9 तो मैंने कर दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 9, बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है वो आपसे बन जाएगा, जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आप बनाओ बन जाएगा, और फिर भी मान लो ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसमें क्या है 3x3 ऑर्डर का है। तो देखो 3x3 में हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान से सुनना, कि पहले तो इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 0 -1 2 0 -1 2 0 -1 5 1 0 5 1 0, ठीक है, और फिर 0 1 3 0 1 3, ठीक है, इस तरह से हमने ए मान लिया। तो ध्यान रहे कि जब भी हम लोग ए इनवर्स निकाल रहे होंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, तो कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे, उसमें जोड़ घटाव में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, सही है ना, क्योंकि एक गलती हुआ तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 से 6 मार्क्स का तो गारंटेड आना ही आना है, ठीक है, और ये बहुत ही आसान है। अब देखो हम बनाएंगे कैसे, तो पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको तरीका बताऊँगा कि मैंने किया क्या है, ठीक है। तो पहले आप ध्यान से देखना, आप नोटिस करना मैं क्या करूँगा। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई इन टू ए, ठीक है, ये 3x3 का है तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए की जगह तो ये वैल्यू लिख ही देना है ना, तो ए की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, 2 0 -1 5 1 और 0, और ये 0 1 और 3, और इज इक्वल टू आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0
0 1 0 0 0 1, ठीक है, और इनटू में ए, सही है। अब देखो हमने क्या करना, क्या वो सुनना कि इसको इसमें रो ऑपरेशन का यूज करके यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि ऐसा वाला फोटो यहाँ बनाना है। इसका मतलब यहाँ पे वन चाहिए, यहाँ पे वन चाहिए, यहाँ पे वन चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट जीरो चाहिए। तो अब देखो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वन चाहिए। तो यहाँ पे वन लाने के लिए क्या करेंगे वो सुनना, यहाँ पे वन लाने के लिए हमने क्या किया कि चाहो तो आप टू से डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ माइनस वन बाई टू आएगा, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो ऐसा करते हैं कि इस वाले रो को उठा के इधर कर देते हैं, इसको उठा के नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा फिर हम लोग यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड वाले रो में, तो फाइव माइनस फोर वन आ जाएगा, तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग आर वन आर टू को इंटरचेंज करते हैं, और जो तरीका मैं बता रहा हूँ कि आर वन आर टू को इंटरचेंज करना, कोई जरूरी नहीं कि इसी तरीके से बनेगा, और भी आप तरीका सोच सकते हो, जैसे आप यहाँ पे टू से डिवाइड करके भी बना सकते हो, सही ना, उससे ही बन जाएगा। चलो तो बोलो क्या किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग आर वन और आर टू को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ऐसे लिखते हैं, जब भी इंटरचेंज करते हैं दोनों तरफ एरो देते हैं, आर वन आर टू को हमने इंटरचेंज करा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, देखो ये बन जाएगा आर वन क्या है, टू जीरो, सॉरी ये आर वन तो आर टू में लिखेंगे, है ना, आर वन आर टू को इंटरचेंज करेंगे, तो फाइव वन जीरो, और फिर इसको नीचे लिख देंगे टू जीरो माइनस वन, और बाकी ये तो कॉपी हो जाएगा जीरो वन थ्री। क्या किया हमने, आर वन आर टू को इंटरचेंज कर दिया, सेम काम यहाँ पे भी, तो आर थ्री तो बिल्कुल कॉपी हो जाएगा, आर वन आर टू को इंटरचेंज करेंगे, तो जो आर टू है वो आर वन बन जाएगा, जीरो वन जीरो, ठीक है, और ये वन जीरो जीरो, और ए बिल्कुल साइलेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या किया, इसमें टू से मल्टीप्लाई करके फाइव में से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, तो आर वन में चेंजिंग कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है यहाँ पे वन बनाना, यहाँ पे वन बनाना, ठीक है। देखो क्या करेंगे, आर वन में आर वन को हम लोग चेंज कर रहे हैं क्या, कि आर वन माइनस और टू इंटू आर टू, टू इंटू आर टू, इससे क्या होगा वो देखना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो R1 में चेंजिंग करना, इसका मतलब ये हुआ कि R2 और R3 को बिल्कुल कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे पहले कॉपी कर ही लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो, तो 2 0 माइनस 1 और 0 1 और 3, सही ना, जो भी चेंजिंग होगा R1 में चेंजिंग होगा। बोलो क्या R1 में चेंजिंग करना है, कि R1 में से घटाना है कितना, 2 R2, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में मन में रख लो, तो R2 ये है, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 है, 4 है, तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 और 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2 है और 0 माइनस ऑफ माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा, सेम काम वही भी, यहाँ पे भी सेकेंड रो और थर्ड रो बिल्कुल कॉपी कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग किसमें है, R1 में। तो बोलो R1 में क्या करना है, पहले R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके मन में रख लो, तो ये 2 है, ये 0 है, 0 है, तो 0 माइनस 2 तो माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1, फिर 0 माइनस 0 0, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे बना चुका है, अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है, देखो यहाँ पे हम लोग 1 बना चुके, अब यहाँ पे हम लोग 0 बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या सोचें कि अच्छा 2 और यहाँ भी 2 होता है, 2 माइनस 2 0 हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से इसको घटा देंगे, तो चेंजिंग किस में करेंगे, R2 में चेंजिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो 2 माइनस 2 0 आने का चांस है। तो क्या करेंगे हम लोग, R2 में चेंज करेंगे क्या, R2 माइनस 2 R1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो बोलो क्या लिखेंगे, R2 में हम लोग चेंजिंग करना चाह रहे हैं क्या, R2 माइनस 2 इंटू R1, ठीक है। तो सोचो आप मन ही मन क्या करो, 2 R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके रख लो, तब क्वेश्चन बनता है। वैसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो R2 में चेंजिंग करना है, इसका मतलब ये हुआ कि R1 और R3 कॉपी हो जाएगा, ठीक है, R1 और R3 कॉपी हो जाएगा, तो पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो, है ना। तो R1 और R3 कॉपी कर लेते हैं, तो R1 है 1 1 2 तो 1 1 2 और R3 है 0 1 3 0 1 3, इसको हमने कॉपी कर दिया। अब किस में चेंजिंग करना है, चेंजिंग करना है R2 में, क्या चेंजिंग करना है कि R2 में से घटाना है 2 इंटू R1, तो R1 में पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करके मन में रख लो, देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये भी 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, क्या करना है 2 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 0, फिर ये 2 लिखा हुआ था 0 माइनस 2 तो माइनस 2,
फिर माइनस वन और माइनस फोर, तो माइनस फाइव हो जाएगा। फोर कैसा हो गया था, मैंने बोला था आपको मन ही मन टू से मल्टीप्लाई करके रख लो इसमें, तो ये फोर था, माइनस वन माइनस फोर तो माइनस फाइव हो गया। अब अगले पे आते हैं। अब देखो इसमें, इसमें क्या करना है कि आर वन और आर थ्री को कॉपी कर लो, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना है। माइनस टू वन जीरो और जीरो जीरो वन, किस में चेंजिंग होना है, आर टू में। क्या चेंजिंग होना है कि पहले आप आर वन में टू से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस फोर लिखा हुआ है, तो वन माइनस ऑफ माइनस फोर तो ये फाइव हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना बीच में। फिर जीरो माइनस टू तो माइनस टू हो जाएगा, फिर जीरो और माइनस जीरो तो ये जीरो ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। आप क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग वन बना चुके हैं, यहाँ वन बन चुका है, फिर हम लोग नीचे आए, फिर हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब कहाँ पढ़ेंगे, तब तो आपको इधर ना जा करके, आपको इस साइड ना जा करके, आपको सबसे पहले इधर नहीं जाके आपको इधर जाना है, यहाँ। ठीक है ना, ये पैटर्न है कि ऊपर से नीचे फिर नीचे और फिर ये इस तरह से जाना है। ठीक है ना, इसको क्या बनाना पड़ेगा, तो ये वन है, यहाँ भी वन होना चाहिए, यहाँ भी वन होना चाहिए, तो पहले इसको वन बनाएंगे। ठीक है, तो इसको वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप देखोगे कि अच्छा ये माइनस टू है, इसके नीचे वन दिख रहा है, तो क्यों ना इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दे, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, देखो हमें यहाँ पे वन बनाना है और हम लोग को क्या दिखा, नीचे वन है, तो क्यों ना इसको उठा के ऊपर कर दें, उसको ऊपर को उठा के नीचे कर दें, यानी कि ये आर टू है, ये आर थ्री है, तो दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज कर देते हैं किसको, किसको, आर टू और आर थ्री को इंटरचेंज कर देते हैं, आर टू आर थ्री को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर वन बिल्कुल कॉपी हो जाएगा, तो यहाँ पे आर वन को कॉपी कर देंगे। आर वन कौन है, वन वन टू कॉपी कर दिया हमने। अब इस आर थ्री को आर टू में लिख देंगे, तो जीरो वन थ्री, ठीक है, और वो नीचे आ जाएगा, जीरो माइनस टू और माइनस फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम काम करेंगे, आर वन कॉपी हो जाएगा, तो माइनस टू वन जीरो और ये जीरो जीरो वन इंटरचेंज कर रहे हैं, फाइव माइनस टू और जीरो, और ए बिल्कुल साइलेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, अब देखो हम लोग कहाँ से कहाँ आए, यहाँ से यहाँ पे आए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, अब आपको फिर नीचे आना है। ठीक है ना, अब आपको फिर नीचे आना है, सही है, अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे बनाना है आपको जीरो। अब ठीक है, यहाँ पे जीरो बनाना है, जीरो कैसे बनेगा, तो यहाँ जीरो बनाने के लिए हमने सोचा, अच्छा ये माइनस टू है, तो क्यों ना ऐसा करें कि इसमें आर टू में, आर टू में हम लोग टू से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आर थ्री में चेंजिंग करेंगे, चूंकि यहाँ पे जीरो लाना है, तो आर थ्री है ये, तो आर थ्री में चेंजिंग करेंगे, क्या आर थ्री, और जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे नहीं, इस बार जोड़ेंगे, चूंकि ये माइनस टू है, ये प्लस टू आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। आर थ्री में जोड़ेंगे कितना, टू इंटू आर टू, टू से मल्टीप्लाई करेंगे आर टू में, फिर जोड़ेंगे आर थ्री में। ठीक है, तो अब देखो क्या बन जाएगा, वो सुनना, आर थ्री में चेंजिंग है, इसका मतलब ये हुआ कॉपी कौन सा हो जाएगा, आर वन और आर टू कॉपी हो जाएगा, तो वन वन टू और जीरो वन थ्री, ये कॉपी कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर थ्री में क्या चेंजिंग करना है, तो पहले आर टू में आप टू से मल्टीप्लाई करके मन में रख लो, तो ये क्या है, जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही रहेगा, फिर ये क्या है, टू है, माइनस टू प्लस टू जीरो हो गया, फिर ये क्या है, सिक्स है, तो माइनस फाइव और प्लस सिक्स तो प्लस का वन हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू, सेम काम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो आर थ्री में चेंजिंग है, इसका मतलब आर वन आर टू कॉपी हो जाएगा, तो माइनस टू वन जीरो, फिर जीरो जीरो वन, क्या चेंजिंग करना है, आप मन ही मन पहले आर टू में टू से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जीरो जीरो ये टू हो, तो फाइव प्लस जीरो तो फाइव रहेगा, फिर माइनस टू प्लस जीरो तो माइनस टू रहेगा, जीरो प्लस टू तो प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, देखो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ आए, देखो यहाँ पे जीरो है ही, हमें जीरो चाहिए है, अब आपको इधर जाना है, तो आप यहाँ पे वन देखोगे, तो वन तो ये ऑलरेडी है, अब ऊपर भागेंगे, अब ऊपर चलेंगे, यानी यहाँ पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना है, तो यहाँ पे जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे हमें वन दिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें तीन से मल्टीप्लाई कर इसको घटा देंगे। ठीक है, तो चेंजिंग किसमें होगा, आर टू में, तो आर टू में चेंजिंग होगा, क्या चेंजिंग होगा कि आर टू माइनस थ्री इंटू आर थ्री, क्योंकि आर थ्री में थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो घटाएंगे, जीरो आएगा, तो यहाँ पे बोलो किसमें चेंजिंग होगा, आर टू में कॉपी कौन सा हो जाएगा, आर वन और आर थ्री, तो आर वन और आर थ्री ये कॉपी हो जाएगा, जीरो जीरो वन ये कॉपी हो गया। आर टू में चेंजिंग करना है, क्या आर टू माइनस थ्री आर थ्री, तो पहले मन ही मन आप आर थ्री में थ्री से मल्टीप्लाई कर लो, तो आर थ्री ये है, तो जीरो जीरो ये थ्री है,
अब ऊपर से घटाओ तो 0 माइनस 0 0, फिर 1 माइनस 0 1, फिर 3 माइनस 3 0, ठीक है ये आ गया। अब सेम काम यहाँ पे भी, तो बोलो किस में चेंजिंग करना है, आर टू में चेंजिंग करना है, इसका मतलब आर वन और आर थ्री कॉपी हो जाएगा, तो -2 1 0, फिर 5 माइनस 2 और +2, और इसमें क्या करेंगे, पहले आर थ्री में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 15 लिखा हुआ, ये -3 -6 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, तो 0 माइनस 15 तो -15 हो जाएगा, फिर 0 माइनस ऑफ -6 तो +6 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, फिर 1 1 माइनस 1 माइनस 6 तो -5 आ जाएगा, ठीक है। देखो आर थ्री में 3 से मल्टीप्लाई करके मन में रख लो, ये कितना है 15 है, ये कितना है -6 है, ये कितना है +6, ठीक है ना, ऊपर वाले से घटा दो तो ये आ गया। अच्छा अब हमारा टारगेट देखो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे 0 बनाना था, इसको भी 0, सॉरी यहाँ से यहाँ जाना था, फिर यहाँ से यहाँ आना था, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो अब इस 2 को बनाना है 0, तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या सोचें कि ये 2 है, यहाँ पे तो 0 है, नीचे वाले में 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, इसका मतलब चेंजिंग किस में होगा, आर वन में, तो आर वन में चेंजिंग करना है, क्या चेंजिंग करना है, आर वन माइनस, तो आर थ्री में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 2 इंटू आर थ्री, ठीक है बस। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो चेंजिंग किस में होगा, आर वन में, इसका मतलब आर टू और आर थ्री बिल्कुल कॉपी हो जाएगा, तो आर टू आर थ्री हम लोग कॉपी कर लेंगे, तो ये है 1 1 2 1 1 2, और आर थ्री भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है एक मिनट, आर वन में चेंजिंग करना था, इसका मतलब आर टू आर थ्री कॉपी होगा ना, आर वन कॉपी नहीं होगा, आर टू और आर थ्री कॉपी होगा, 0 1 0 0 1 0, फिर 0 0 1, ठीक है। अच्छा आर वन में क्या करना है, आर वन माइनस टू आर थ्री, इसका मतलब आर थ्री में पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 0 2 हो गया, अब माइनस करो तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1, फिर 1 माइनस 0 फिर भी 1, फिर 2 माइनस 2 0, ठीक है, और जो काम हम लोग राइट साइड किए वही हमने, सॉरी जो काम लेफ्ट किए वही राइट में, तो यहाँ बोलो यहाँ भी आर टू और आर थ्री कॉपी हो जाएगा, तो -15 6 और -5, ठीक है, फिर नीचे कितना आएगा 5 माइनस 2 और 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि चेंजिंग करना, क्या चेंजिंग करना है, पहले आप आर थ्री में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 10 लिखा हुआ है, ये -4 ये +4 है, तो सोचो ये 10 है, तो -2 और -10 कितना हो जाएगा -12, तो -12, ठीक है, फिर देखो 1 माइनस ऑफ -4 तो ये हो जाएगा +5, ठीक है, फिर यहाँ देखो 0 माइनस ऑफ एक मिनट, आर थ्री मल्टीप्लाई करना था, आर थ्री में 4 है ये, तो 0 माइनस 4 तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, और इनटू में ए रहेगा, सही है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ये 1 0 0 0 1, फिर 0 फिर 0, अब इसको बनाना है 0, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी में से घटा देते हैं इसके नीचे वाले में से, तो आर वन माइनस आर टू कर लेते हैं, तो आर वन में चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे, आर वन माइनस आर टू, ठीक है, तो इसका मतलब आर वन में चेंजिंग होगा, इसका मतलब ये हो कि आर टू आर थ्री कॉपी हो जाएगा, तो आर टू है 0 1 0, फिर है 0 0 1, ये कॉपी हो गया, आर वन में चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है, आर वन माइनस आर टू, तो 1 माइनस 0 1, फिर 1 माइनस 1 0, फिर 0 माइनस 0 0, ठीक है, यहाँ भी सेम काम, -12 -15 तो -12 -15 करना है, तो कितना आ जाएगा, -12 और +15 यानी कि 3 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर 5 ऑफ 5 -6 तो ये हो जाएगा -1, फिर -4 -4 और -ऑफ -5 कितना आ जाएगा, -4 और +5 यानी कि 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो बाकी सब कॉपी हो जाएगा, तो -15 6 और -5 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 और ये 2 और इनटू में ए, ठीक है, तो ये यहाँ पे ए इनवर्स कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे ए इनवर्स निकल के आएगा, ये जो चूंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो ये जो निकल के आया यही क्या है आपका ए इनवर्स है, तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स 3 माइनस 1 1, फिर -15 6 और -5, 5 माइनस 2 और 2, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे, सही ना, तो देखो यहाँ पे आपके बुक में जो है कि यहाँ पे -1 दिया है, ठीक है ना, तो वो गलत है, ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, वहाँ पे उसका माइनस छूट गया है, ठीक है ना, तो वो माइनस आप कर लेना।
तो ये था 3x3 ऑर्डर का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं और आपको बनाकर दिखाता हूँ। अच्छा मैं आपको तरीका बता दूँ। देखो तरीका हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स हुआ, 3x3 का हुआ, तो आपको पैटर्न कौन सा पैटर्न फॉलो करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो हमने कौन सा पैटर्न फॉलो किया तो वो देखो कि हम लोग देखो पहले ऊपर से नीचे आए, फिर नीचे और फिर ऐसा तिरछा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ जाना है आपको, ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे आना है और फिर यहाँ से इधर, फिर इधर और फिर इधर और फिर इधर, ठीक है ना, और ये डन हो जाएगा। सही है। तो इस पैटर्न को फॉलो करके बनाओगे तो कभी भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्लस करना है, माइनस करना है, किसमें से घटाना है, जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, ठीक है, जो आपके लिए टफ हो। मान लो कि चलो हम 15 बना के दिखाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो आप लोग कॉपी कर लो इसको। चलिए तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाता हूँ। बिल्कुल इसी पैटर्न को मैं फॉलो करूंगा और क्वेश्चन बन जाएगा। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पहले से हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 -3 और 3, 2 -3 और 3, फिर दिया है 2 2 और 3, 2 2 और 3, ठीक है, और इसका लास्ट रो है 3 -2 और 2, 3 -2 और 2। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 -3 और 3, ठीक है, 2 2 3 और 3 -2 2, ठीक है। चलो बिल्कुल हम लोग उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो देखो स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, i(a), फिर से वही काम, हम लोग ए की जगह ये फोटो चिपकाएंगे। तो ये फोटो क्या है, ये फोटो कुछ इस तरह का है, 2 -3 और 3, फिर 2 2 और 3, यहाँ पे 3 -2 और 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1, और इनटू में ए बिल्कुल साइलेंट रहेगा। और उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे क्या, कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, देखो अभी इसको हम लोग घटा दें तो फिर बेकार हो जाएगा ना, घटा देंगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसमें 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि घटाएंगे ये 0 दे देगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, चलो डिवाइड कर लेते हैं। किस में डिवाइड करने हैं, R1 में, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई बोलो या 2 से डिवाइड बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 × R1, तो R1 में 1/2 मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब चेंजिंग R1 में होगा, R2 R3 कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे R2 R3 कॉपी कर देंगे, बोलो R2 क्या है, R2 है 2 2 और 3, और R3 क्या है, 3 -2 और 2, ठीक है ना। अच्छा इज इक्वल टू R1 में हमें 2 से डिवाइड करना है, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो -3/2, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 3/2, इस तरह से आ गया। अब यहाँ भी सेम काम, क्या करना है, R2 R3 कॉपी कर देना है, 0 1 0 0 0 1, 2 से डिवाइड करना है तो 1/2, बाकी सभी 0, और इनटू में ए तो ये रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो हम लोग 1 बना चुके हैं, यहाँ पे 1 बना चुके हैं, अब हम लोग नीचे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, है ना। तो R2 में चेंजिंग होगा, R2 में चेंजिंग होगा, क्या चेंजिंग होगा कि R2 माइनस, तो R2 में माइनस करेंगे R1 को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो 2 × R1, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब R2 में चेंजिंग होगा, R1 और R3 कॉपी हो जाएगा, ठीक है, R1 और R3 कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम लोग, R2 में चेंजिंग होना है, तो यानी कि R2 में चेंजिंग, R1 कॉपी हो जाएगा, तो 1 -3/2 और फिर 3/2 और फिर R3 भी कॉपी हो जाएगा, तो 3 -2 और 2, ठीक है ना।
आर टू में चेंजिंग है क्या? आर टू माइनस टू आर वन, तो आर वन में पहले आप टू से मल्टीप्लाई करके मन में रख लो, तो आर वन में टू से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा माइनस थ्री, और ये हो जाएगा प्लस थ्री। अब इसमें से घटाओ तो टू माइनस टू जीरो, फिर टू और यहाँ पर क्या बचा था माइनस थ्री, तो टू माइनस ऑफ माइनस थ्री तो ये फाइव हो जाएगा, ठीक है। और थ्री, और थ्री माइनस यहाँ पे कितना था थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इक्वल टू, बस यहीं पे आपको चेक कर लेना था कि मल्टीप्लाई डिवाइड बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो यहाँ भी सेम काम कि आर टू में चेंजिंग करना, इसका मतलब आर टू में चेंजिंग करना, आर वन कॉपी हो जाएगा तो वन बाई टू जीरो जीरो, आर थ्री भी कॉपी हो जाएगा जीरो जीरो वन। चेंजिंग किस में है? आर टू में। क्या चेंजिंग है कि आर वन में आप टू से मल्टीप्लाई करके रख लो तो ये वन जीरो जीरो, फिर इसमें से माइनस करो तो जीरो माइनस वन तो माइनस वन हो जाएगा, वन माइनस जीरो वन ही रहेगा, जीरो माइनस जीरो जीरो ही रहेगा, ठीक है। भी आ गया। अच्छा आप क्या करें, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें जीरो चाहिए था, जीरो आ गया, यहाँ पे भी हमें आना है, तो यहाँ पे बनाना है क्या है, यहाँ पे बनाना है जीरो, तो यहाँ पे जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो बनाने के लिए ऐसा करते हैं इसमें तीन से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। चेंजिंग किस में करेंगे? आर थ्री में। तो आर थ्री में चेंजिंग करने वाले हैं क्या कि आर थ्री माइनस आर वन में थ्री से मल्टीप्लाई करके, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है आर वन में, ठीक है। और इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। चलो तो आप देखो हम लोग क्या क्या करेंगे कि आर थ्री में चेंजिंग करना है, इसका मतलब आर टू और आर वन कॉपी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कॉपी कर देंगे आर वन को, तो क्या है वन माइनस थ्री बाई टू, और ये थ्री बाई टू, ठीक है। और फिर किस में चेंजिंग करना है? आर थ्री में, इसका मतलब आर टू भी कॉपी हो जाएगा, तो जीरो फाइव और जीरो। फिर है आर थ्री में चेंजिंग करना क्या, आर थ्री माइनस थ्री आर वन, इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर लो मन ही मन, तो देखो यहाँ थ्री है तो थ्री माइनस थ्री हो जाएगा जीरो, ठीक है। यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई करो तो माइनस नाइन बाई टू, तो माइनस टू और माइनस ऑफ नाइन बाई टू, तो माइनस टू और माइनस ऑफ नाइन बाई टू तो प्लस नाइन बाई टू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फाइव बाई टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा फाइव बाई टू, तो यहाँ पर लिख देते हैं फाइव बाई टू, ठीक है। फिर ये टू माइनस ये कितना हो जाएगा नाइन बाई टू, तो टू माइनस नाइन बाई टू तो कितना हो जाएगा टू टू जा फोर माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा, है ना, माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा इक्वल टू। यहाँ भी सेम काम करेंगे हम लोग, तो क्या करना है हमें, किस में चेंजिंग करना है? आर थ्री में, यानी कि आर वन और आर टू कॉपी हो जाएगा, तो वन बाई टू फिर जीरो और जीरो, ठीक है। फिर माइनस वन वन और जीरो। अब क्या करना है कि आर थ्री में से इसको घटाना, लेकिन इसमें तीन से मल्टीप्लाई कर देना, तो थ्री बाई टू है तो जीरो माइनस थ्री बाई टू तो माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है। फिर जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही रहेगा, फिर वन माइनस जीरो तो वन ही रहेगा, और इनटू में ए साइलेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा तो हम लोग क्या किए, देखो यहाँ पे वन बना दिए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, अब हमें जाना है इधर, ठीक है, यानी कि इस फाइव को वन बनाना है। तो फाइव को वन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं इसमें फाइव से डिवाइड कर देते हैं, है ना, किस में, आर टू में। तो आर टू में हम लोग फाइव से डिवाइड करेंगे, फाइव से डिवाइड करना का मतलब वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई करना, वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई करना आर टू में, ठीक है। तो बोलो क्या लिखेंगे, इसका मतलब जो भी चेंजिंग है आर टू में, यानी आर वन कॉपी हो जाएगा, वन माइनस थ्री बाई टू और थ्री बाई टू, उसके बाद आर थ्री भी कॉपी हो जाएगा, यानी जीरो फाइव बाई टू और माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। चेंजिंग किस में? आर टू में, वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई करना है तो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी जीरो, फाइव में वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे वन, और ये रहेगा जीरो, ठीक है। अब इधर आते हैं इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे आर वन कॉपी हो जाएगा, चेंजिंग हमें आर टू में करना है, क्या आर टू में करना है, फाइव से डिवाइड कर देना, तो माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा, ये वन बाई फाइव हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, और बाकी आर थ्री को कॉपी कर देना है, जीरो और वन इनटू में आ गया ए। अच्छा अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग जीरो बना चुके हैं, तो ऊपर से नीचे आए, फिर नीचे जाए, फिर इधर गए, तो अब हम लोग फिर नीचे आए, यानी कि इसको हमें जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखो ये फाइव बाई टू है, यहाँ बनाना है क्या हमें जीरो, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे वन दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें फाइव बाई टू मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटा देते हैं। तो किस में चेंजिंग कर रहे हैं हम लोग? आर थ्री में। आर थ्री में चेंजिंग कर रहे हैं, क्या चेंजिंग कर रहे हैं कि आर थ्री माइनस, ठीक है ना, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव बाई टू से ऊपर में, तो फाइव बाई टू से और आर टू से में घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें वन दिख गया था, तो यहाँ फाइव बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू जीरो हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया। तो चलो बताओ आर थ्री में चेंजिंग होगा, इसका मतलब आर वन आर टू कॉपी हो जाएगा, तो आर वन है वन
माइनस थ्री बाई टू और फिर थ्री बाई टू, फिर आर टू भी कॉपी हो जाएगा, जीरो वन और जीरो। आर थ्री में चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है कि आर थ्री माइनस फाइव बाई टू आर टू। तो देखो आर टू में आप मन ही मन फाइव बाई टू मल्टीप्लाई कर लो, तो आर टू ये है, इसमें मल्टीप्लाई करो जीरो रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करो फाइव बाई टू, ये जीरो ही रहेगा। अब इसमें से घटाओ तो जीरो माइनस जीरो जीरो, फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू जीरो, फिर माइनस फाइव बाई टू माइनस जीरो जीरो, सॉरी माइनस फाइव बाई टू ही रहेगा ना, माइनस फाइव बाई टू में जीरो घटाएंगे तो जीरो ही रहेगा, सॉरी इतना ही रहेगा। इक्वल टू यहाँ बोलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या करना है हमें, आर थ्री में चेंजिंग यानी आर वन आर टू कॉपी हो जाएगा, तो वन बाई टू जीरो जीरो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन बाई फाइव, वन बाई फाइव और ये जीरो। इसमें चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है कि आर टू में आपको पहले मन ही मन फाइव बाई टू मल्टीप्लाई कर लो, तो इसमें फाइव बाई टू मल्टीप्लाई करो, तो फाइव बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन बाई फाइव में, तो माइनस वन बाई टू बचेगा, और माइनस थ्री बाई टू में माइनस वन बाई टू घटाएंगे, तो माइनस थ्री बाई टू में माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू आ जाएगा, तो माइनस टू बाई टू यानी कि माइनस वन बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस वन, ठीक है। फिर देखो जीरो है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करके सोचेंगे फाइव बाई टू, तो फाइव बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई फाइव में, तो क्या बचेगा वन बाई टू, और जीरो माइनस वन बाई टू करेंगे तो माइनस वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सोचो वन माइनस, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें जीरो ही रहेगा, तो वन ही आ जाएगा यहाँ पे, और इन टू में ए आ गया। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि पहले इसको वन बना दिए, ऊपर से नीचे आए, फिर आए, फिर इधर गए और फिर यहाँ पे आए, तो इसको जीरो बना दिए। अब इसको बनाना है वन, तो इसको वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको वन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके उल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस फाइव बाई टू, इसका रेसिप्रोकल टू बाई फाइव, तो टू बाई फाइव से आर थ्री मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोग क्या करेंगे आर थ्री में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टू बाई फाइव से, किसमें आर थ्री में, तो बोलो क्या बन जाएगा, तो आर थ्री में चेंजिंग होगा यानी कि आर वन आर टू कॉपी हो जाएगा, तो वन माइनस थ्री बाई टू, ये जाएगा थ्री बाई टू, ये जाएगा जीरो वन जीरो। इसमें क्या का मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू बाई फाइव से, तो ये क्या बन जाएगा वन बन जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू सेम काम यहाँ भी, आर वन और आर टू कॉपी हो जाएगा, तो वन बाई टू जीरो जीरो, यहाँ पे माइनस वन बाई फाइव, वन बाई फाइव और ये जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है माइनस टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा टू बाई फाइव, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा टू बाई फाइव, सॉरी टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई करना है, टू से माइनस वन बाई फाइव बचेगा ना, वन बाई फाइव, टू से टू कट जाएगा, चेक कर लो, देखो माइनस टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई करो माइनस वन बाई टू से, तो टू टू कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो वन बाई फाइव बचेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है माइनस फाइव बाई टू से, तो इतना ही रहेगा माइनस फाइव बाई टू, सॉरी माइनस टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई करना था, माइनस टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई करना था, और इन टू में ए बिल्कुल साइलेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो कहाँ कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ पे आए, फिर यहाँ आए, फिर इधर गए, फिर नीचे आए, फिर इधर आए, और फिर ऊपर जीरो बनाना है, ऑलरेडी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको जीरो बनाना है, तो यहाँ जीरो बनाने के लिए सोचो क्या करेंगे, तो देखो इसके नीचे यहाँ पे वन दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर थ्री बाई टू होता है तो थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू जीरो हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ आर वन में चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे आर वन में चेंजिंग करेंगे क्या कि आर वन माइनस आर थ्री को माइनस करेंगे, लेकिन इसमें थ्री बाई टू मल्टीप्लाई करके, थ्री बाई टू मल्टीप्लाई करके किस में आर थ्री में, ठीक है। बोलो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर वन में चेंजिंग है, इसका मतलब आर टू आर थ्री कॉपी हो जाएगा, तो जीरो वन जीरो फिर जीरो जीरो वन, बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर वन में, तो पहले आप मन ही मन आर थ्री में थ्री बाई टू मल्टीप्लाई कर लो, आर थ्री है थ्री बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पर थ्री बाई टू, और इसमें से माइनस करो, तो वन माइनस जीरो वन, फिर माइनस थ्री बाई टू माइनस जीरो, तो माइनस थ्री बाई टू ही रहेगा, थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू जीरो हो जाएगा, इक्वल टू इधर बोलो, यहाँ भी सेम काम करना है, आर आर वन में चेंजिंग है यानी आर टू कॉपी हो जाएगा, वन बाई फाइव फिर जीरो फिर टू बाई फाइव और वन बाई फाइव और माइनस टू बाई फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे चेंजिंग करना, क्या चेंजिंग करना है कि आप पहले आप मन ही मन आर थ्री में थ्री बाई टू मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे थ्री बाई टू मल्टीप्लाई करो, तो टू बाई फाइव और इन टू में कितना थ्री बाई टू, क्या आ जाएगा टू से टू कैंसिल, थ्री बाई फाइव बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा थ्री बाई फाइव। अब आर वन में से घटाना है यानी कि वन बाई टू, ऊपर वन बाई टू है, इसमें से घटाना है, तो माइनस थ्री बाई फाइव कर देना है,
कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5 -6, तो ये जाएगा -1/10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1/10। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -1/10 आ रहा है। एक बार हम लोग चेक कर लेते फिर से, R1 -3/2 R3 करना है, तो 3/2 मल्टीप्लाई किए 2/5 में, 3/2 मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कट जाएगा 3/5 बचेगा। अब 1/2 में से इसको घटाएंगे है ना, तो 1/2 -3/5, तो -1/10 बचेगा, बिल्कुल सही है, तो -1/10 बच रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है यहाँ पे इसमें से 0 माइनस इसमें करना है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, तो 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, कितना आ जाएगा 3 × 5 × 10, तो 0 -3/10, तो क्या हो जाएगा -3/10 आ जाएगा, तो -3/10 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे -2/5 है, यहाँ 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा -3/5 बचेगा। अब इसमें से माइनस करना है 0 -(-3/5), तो क्या बच जाएगा -3/5 बचेगा, सॉरी +3/5 बचेगा, +3/5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करते हैं सही है ना, कि 0 में से हम लोग माइनस किए क्या, 3/2 मल्टीप्लाई करना था, तो सही है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक आ गए हम लोग, इनटू में ए साइलेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना है ना, क्योंकि जोड़ घटाव में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, अब यहाँ पे 0 लाना है, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लाने के लिए हम लोग इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जोड़ देंगे है ना, तो क्या करना पड़ेगा R1 में चेंजिंग करेंगे, R1 में चेंजिंग करेंगे क्या, R1 + R2, R1 + R2 करेंगे, लेकिन 3/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 3/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसमें, R2 में। ठीक है, देखो 3/2 है, -3/2, यहाँ +3/2 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो R1 में चेंजिंग करेंगे क्या, R1 + इसमें 3/2 मल्टीप्लाई करके R2, तो बोलो किसमें चेंजिंग होगा, R1 में चेंजिंग होगा, R2 R3 कॉपी हो जाएगा, तो R2 है 0 1 0 0 1 0, फिर 0 0 1 0 0 1, R1 में चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है कि R1 में जोड़ना है R2 को, लेकिन 3/2 मल्टीप्लाई करते हुए, तो R2 में आप 3/2 मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 3/2 आएगा, तो 1 -0 1 हो जाएगा, फिर ये 3 -3/2 + 3/2 0 हो जाएगा, फिर 0 - 0 + 0 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ बोलो सेम काम यहाँ भी करेंगे, कौन कौन कॉपी हो जाएगा, सेकेंड रो कॉपी हो जाएगा -1/5, फिर 1/5 और फिर 0, और अगला है 2/5, 2/5, 1/5, -1/5, ये कॉपी कर दिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ बोलो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या कि क्या करना था हमें, कि R2 में 3/2 मल्टीप्लाई कर लेना, तो R2 ये है, इसमें 3/2 मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा -3/10 हो जाएगा। देखो -1/5 है ना, देखो मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, -1/5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो कितना आ जाएगा -3/10 आ जाएगा, तो -3/10 है, ऊपर में कितना है -1/10 है, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा -1/10, तो यह आ जाएगा नीचे एलसीएम 10 -1 और -3, यानी कि -4/10 कटेगा, तो ये 2 -2/5 बचेगा, क्या बचेगा -2/5 बचेगा। ठीक है, अब सेम काम यहाँ पे भी 3/2 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, और ऊपर वाले में जोड़ देना है, तो -3/10 में इसको जोड़ देना है, तो ये तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ बोलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किससे, सॉरी R2 में, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी मल्टीप्लाई करना है 0 रहेगा, और 3/5 में इसको ऐड करेंगे 3/5 ही आएगा, 3/5 और इनटू में ए, तो आई होप कि आंसर आ रहा होगा। हाँ ठीक है, आंसर मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये जो हमारा निकल के आया यही क्या है, ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2/5 0 3/5 और यहाँ पे -1/5 1/5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2/5 1/5 और -1/5। ठीक है, और ये आ गया ए इनवर्स, तो एक बार चेक कर लो आप लोग आंसर, -2/5 0 और 3/5 सही है, -1/5 1/5 और 0, 2/5 1/5 और -2/5, लास्ट वाले में गड़बड़ हुआ, -2, अच्छा यहाँ पे -2/5 था, यहाँ पे हमने 1/5 लिख दिया, यहाँ पे -2/5 है, -2/5 आप सही कर लेना। ठीक है, हर जगह -2/5 है, -2/5 सही है।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने पैटर्न कौन सा यूज किया, हमने ये पैटर्न यूज किया है कौन सा, कि जब 3x3 का रहे हैं तो ये पैटर्न आप यूज करो, ये फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। अब बस क्वेश्चन डन, तो आप ये पैटर्न याद कर लो, ठीक है। इसी पैटर्न में आप काम करना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप देखो जितना भी क्वेश्चंस बच गया है, यानी कि आप 18 तक बच गया है, तो ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है, ठीक है ना। मैंने आपका पैटर्न बता दिया, इस पैटर्न में आप सॉल्व करना, आपसे बन जाएगा। फिर भी ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।